हेलो दोस्तों, प्रभात किचन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पास्ता विद टोमेटो सॉस। ये बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत अच्छा होता है। तो चलिए हम लोग इंजॉय करते हैं पास्ता विद टोमेटो सॉस के साथ। हेलो फ्रेंड्स, पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन की रेसिपी जानने के लिए प्रभास किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। पास्ता विद टोमेटो सॉस बनाने के लिए देखिए हमको क्या क्या चाहिए। ये मैंने पास्ता ले लिया है, इसको मैंने उबाल लिया है, और ये हमने चीज लिया है आधा कटोरी, और ये मैंने 2 शिमला मिर्च काट लिया है, 1 प्याज काट लिया है, और ये मैंने 4 टमाटर काट लिए हैं, और ये मैंने 8 लहसुन की कली काट ली है महीन महीन, और ये मैंने थोड़ा सा कॉर्न लिया है, इसको उबाल लिया है, और ये मैं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स लिए हैं, ऑरिगेनो है, ये मैंने कुटी हुई काली मिर्च लिया है, और नमक लिया है, और ये मैंने थोड़ा सा तेल लिया है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं पास्ता विद टोमेटो सॉस। ये हम अपनी गैस जलाते हैं, उसमें हम अपना पैन रखते हैं, और इसमें हम थोड़ा सा तेल डालते हैं। तेल थोड़ा मेरा ज्यादा है, इतना तेल नहीं डालेंगे, इसलिए हमने आधा ही तेल डाला है, और इसको हम गरम करते हैं। तेल हमारा गरम हो गया, पहले हम इसमें अपना ये लहसुन डालेंगे और अब इसी में हम अभी अपना प्याज भी डाल देंगे। थोड़ा हल्का से इसको दोनों को भूनेंगे। गैस हमारी मीडियम पे रहेगी। अब इसी में हम ये अपना शिमला मिर्च डाल देंगे। और ये कॉर्न जो उबाला है इसको भी हम इसी में डाल देंगे। अब इसको हमें अच्छे से थोड़ी देर पकाना है। अब ये देखिए सब्जी हमारी थोड़ी सी पक गई है। अब इसी में हम ये टमाटर जो लिए हैं इसको भी इसी में डाल देंगे और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर बाद। इसको फिर ये देखिए हम इसको ढक देंगे, ढक के 5 मिनट के लिए इसको पकाना है हमको ढक के। एक बार इसको हम बीच में चला देंगे ताकि ये नीचे अकड़े ना, इस तरह से। ये हमें तब तक पकाना है जब तक ये टमाटर अच्छे से गल ना जाए। चलिए हम अपना देख लेते फिर से। ये देखिए ये जो है टमाटर अच्छे से गल गया है बढ़िया से। अब इसमें हम ये थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक हमें अपने स्वाद के अनुसार डालना है, और ये काली मिर्च पाउडर भी हम डाल देंगे, और ये चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो दोनों हम इसमें डाल देंगे। ये हम पूरा ही डाल देते हैं और अच्छे से फिर इसको चला लेंगे। ये देखिए एकदम तैयार हो गया है। इसमें हम चीज थोड़ा सा डाल देंगे और बाकी हम ऊपर से डालेंगे। ये हमने थोड़ा सा चीज डाला। ये देखिए हमारा एकदम सॉस तैयार हो गया। अब हम ये अपना पास्ता जो है इसमें मिला देंगे अच्छे से। गैस हम बंद कर देंगे। अब ये देखिए बस इसको हमें ऐसे ही मिला देना है तरह से। और आप इसमें टोमेटो सॉस भी डाल सकती हैं, ये आपके ऊपर है। हम इसमें टोमेटो सॉस नहीं डाल रहे हैं।
ये देखिए हमारे एकदम तैयार हो गए। अब हम ये अपना बाउल लेंगे और इसमें हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए हमने इसमें इसको निकाल लिया और इसमें हम ये जो चीज रखे हैं इसको हम ऊपर से डाल देंगे अच्छे से। ये देखिए मेरा पास्ता विद टोमेटो सॉस बनके तैयार हो गया। और आप लोग खाइए और खिलाइए, बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग सब्सक्राइब कमेंट लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।